असल क्लास मैं जीशा ऊस्मान आई एम ए कम्प्यूटर साइंस टीचर आज हम क्लास नाइन कम्प्यूटर साइंस लेक्चर नंबर फाइव डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है नेटवर्क टपोलॉजीज सबसे पहले अगर हम अपने टाइटल को देखें तो यहाँ पे एक टर्म जो हमने अंडरस्टैंड करनी है दिस इज टपोलॉजी वट इज टपोलॉजी टपोलॉजी सिम्पली क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स के लिए हम दो से तीन वर्ड यूज करते हैं अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स अरेंजमेंट ऑफ नोट अरेंजमेंट ऑफ डिवाइस एक्सेट्रा हम डिवाइसेस को अरेंज करें कंप्यूटर या नोट एक ही चीज के तीन नाम है इनको अरेंज करें विद इन अ नेटवर्क दिस इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी सिंपल टोपोलॉजी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ नोट अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब है विद इन अ नेटवर्क एक नेटवर्क के अंदर रहते हुए हम लोगों ने मल्टीपल डिवाइसेस को किस तरह से अरेंज करना है किस तरह से कम्युनिकेट uh, करवाना है दिस इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी नेक्स्ट आप लोगों की बुक में फोर टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी डिस्कस है नंबर वन इज बस रिंग स्टार एंड मैश इस लेक्चर में हम जो टोपोलॉजी डिस्कस करेंगे दिस वन इज बस बस टोपोलॉजी टोपोलॉजी एक सिंपल वे है सिंपल टोपोलॉजी है जिसमें हम क्या करते हैं मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करवा सकते हैं इसका सबसे पहले हम देखते हैं फिगर ये इसकी एक छोटी सी डायग्राम बनी हुई है ये मेरे पास एक कम्युनिकेशन मीडियम है कम्युनिकेशन मीडियम ऐसा मीडियम होता है जिसके अंदर हम लोग अपना डाटा को ट्रांसमिट करवाते हैं अब मैंने सिंगल कम्युनिकेशन मीडियम के साथ मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट किए हैं हम इसे नाम दे देते हैं एन वन एन टू एन थ्री एन फोर एन एन फाइव पांच नोड्स हैं पांच कंप्यूटर्स हैं जो मैंने एक सिंगल कम्युनिकेशन मीडियम के साथ कनेक्ट करवाए हुए हैं ऐसी टोपोलॉजी जिसमें हमारे पास एक सिंगल कम्युनिकेशन केबल हो और हम इसके साथ मल्टीपल डिवाइसेस को कुनेक्ट करवाए दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी सबसे पहला पॉइंट इसका ये कनेक्ट ऑल डिवाइसेस थ्रू अ सिंगल केबल हम लोगों ने जितने भी डिवाइसेज कनेक्ट करवाना है उसको एक सिंगल केबल के साथ कनेक्ट करवाना है दिस सिंगल केबल इज कॉल्ड कम्युनिकेशन मीडियम ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं नेक्स्ट सिंपल वे टू कनेक्ट डिवाइसेस हमने जितनी भी टोपोलॉजीज डिस्कस करनी है इसमें सबसे ईजिएस्ट और सिंपलेस्ट टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी टू एंड पॉइंट्स अब एक हम लोग शुरू से पढ़ते हैं लाइन एक ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं तो है यहाँ पे हमारे पास एक केबल जिसके एग्जैक्टली टू एंड पॉइंट्स हैं दिस इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ बस टोपोलॉजी हम लोग शुरू से इससे कम्युनिकेशन मीडियम पढ़ते हैं लेकिन अगर हम बस टोपोलॉजी की बात करें बस टोपोलॉजी में हमने इसे एक नाम असाइन कर दिया बैकबोन ऑफ बस टोपोलॉजी अब सारा कि अगर हम इन वर्टिब्रेट वर्टिब्रेड की बात करें एक वर्टिब्रेट जिसके पास बैकबोन होती है उसके सारे बॉडी के फंक्शंस डिपेंड करे होते हैं बैकबोन पे इसी तरह अगर हम इस टोपोलॉजी की बात करें बस टोपोलॉजी की बस टोपोलॉजी के जितने भी फंक्शन है वो सब डिपेंड कर रहे हैं इस बैकबोन पे फेलियर ऑफ अ सिंगल डिवाइस डज नॉट इफेक्ट अदर डिवाइस नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं मेरे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं अगर इनमें से कोई एक भी डिवाइस अपना काम करना छोड़ दे जैसे मैं कहती हूँ एन मन ने अपना काम करना छोड़ दी तो क्या होगा मेरे पास कम्युनिकेशन मीडियम चल रहा है मैं इस कंप्यूटर को रिप्लेस कर सकती हूँ किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ या सिंपली मैं इस कंप्यूटर को रिमूव कर सकती हूँ एक सिंगल डिवाइस खराब होने से मेरे पूरे नेटवर्क में कोई भी फर्क नहीं पड़ता हमारे पास ऑप्शन होता है हम इस डिवाइस को रिप्लेस कर लें या इसे यहाँ से रिमूव कर लें सेकेंड इन दो एंड पॉइंट्स का क्या काम होता है इन लोगों ने सिग्नल्स कैच करने होते हैं और उन सिग्नल्स को मूव करवाना होता है इस कम्युनिकेशन मीडियम पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो डिवाइसेज हैं। मैं कहती हूं एंड टू मेरे पास सेंडर है यानी कि एक ऐसा डिवाइस जिसने हमने डाटा को सेंड किया है और इसका रिसीवर है एन थ्री यानी कि इसने डाटा सेंड किया और डाटा ने कहा जाना है एन थ्री के पास अब ये क्या करेगा उस डाटा को इस कम्युनिकेशन मीडियम पे छोड़ देगा डाटा कम्युनिकेशन मीडियम पे मूव होगा नेक्स्ट अब इसके बाद जो कंप्यूटर कनेक्ट है जैसे ये कंप्यूटर है तो डाटा पहले एन फाइव के पास जाएगा एन फाइव चेक करेगा क्या इस डाटा में जो एड्रेस है वो मेरे डिवाइस के साथ मैच हो रहा है अगर तो वो इसके डिवाइस के साथ मैच होगा इसका मतलब है ये रिसीवर है और अगर इसके डिवाइस के साथ मैच नहीं होगा इसका मतलब है ये रिसीवर नहीं है और ये उस डाटा को फर्दर आगे ट्रांसमिट करवा देगा यहाँ पे एक बात जब भी हम लोग अपना डाटा कम्युनिकेट करवाते हैं तो इसके साथ हम लोग एड्रेस भी मेंशन करते हैं अब जैसे हम लोग पीसीएस की बात करें हम कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं अपना एड्रेस वेरीफाई करवाते हैं कि इस एड्रेस पे आप लोगों ने हमारा पार्सल भिजवाना है तो इसका मतलब है अगर मैं एड्रेस ही नहीं बता रही तो क्या मेरा कभी भी पार्सल मेरे घर तक आ सकते नहीं इसी तरह जब हम डेटा को मूव करवाते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन तो यहाँ पे भी हमें एड्रेस की जरूरत होती है जब तक हमें पता ही नहीं होगा हमारा रिसीवर कौन सा है हम अपने डाटा को ट्रांसमिट नहीं करवा सकते तो हम क्या करते हैं डाटा के साथ एड्रेस भी देते हैं वन बाय वन सारे डिवाइसेस उनको मैच करते हैं जिस कंप्यूटर के एड्रेस के साथ वो एड्रेस मैच हो जाता है वो कंप्यूटर क्या करता है उसको रिसीव कर लेता है नेक्स्ट इफ देर इज समॉब्लम इन बैक बोन ऑल डिवाइस कैन स्टॉप फंक्शनिंग अब बैक क्या कर रही है मेन बैकबोन का काम है डाटा को ट्रांसमिट करवाना मूव करवाना फ्रॉम नोड टू नोड अगर मेरे पास मेरी बैकबोन ही खराब हो जाए मेरी बैकबोन ही प्रॉपर वर्क ना करे तो उस टाइम पे क्या होगा मेरा डाटा ट्रांसमिट ही नहीं होगा कोई भी डाटा कोई भी नोड अपना डाटा शेयर नहीं कर सकता अगर वो शेयर कर भी दे तो वो किसको भेजेगा उसके पास तो कोई कम्युनिकेशन मीडियम ही नहीं है इसका मतलब है कि अगर मेरे पास इस मेन बैकबोन में, बैक में इशू आता है तो मेरे पूरे डिवाइसेस अपना काम करना छोड़ देते हैं ये इसका डिसएडवांटेज है कि अगर बैकबोन में कोई भी इशू आ जाता है तो मेरा क्या होता है सारा नेटवर्क फेल हो जाता है ये था आप लोगों का छोटा सा टॉपिक नेटवर्क टोपोलॉजीज और इसमें हम लोगों ने जो एक टर्म डिस्कस किया बस टोपोलॉजी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you. Allah Hafiz.